हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल न्यू एसएस इंग्लिश क्लास। गाइज, आज मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेकर आई हूँ। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कुछ खास वर्ड्स के साथ यूज होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन ही लेते हैं, जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। ओके, एंड एग्जाम्स में एसएससी, बैंकिंग, पीओज, एवरी एग्जाम्स में ये कॉमन एरर्स में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कैटेगरी में पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल है। तो उस वैसे केस में हमें ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज को याद करने पड़ते हैं, और इसका कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन तो हम समझ लेते हैं कि इनका यूज कहाँ होगा, एट का यूज कहाँ होगा, टू का यूज कहाँ होता है। ओके, बट जो जो फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हमेशा हमें याद ही करनी पड़ती है। और कई ऐसे कमेंट आए हैं जब हम मुझे ये बताया गया या बोला गया कि आप प्रीपोजिशन डालो, एंड प्रीपोजिशंस भी वैसे प्रीपोजिशंस जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ यूज होता हो, और कैसे याद करना है ये भी बताओ। ओके, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि याद करने का बस एक आप रिवीजन ही एक तरीका होता है, चाहे आप उस पर सेंटेंस बना करके आप रिवीजन करें, या फिर बार बार उससे पढ़ करके आप रिवीजन करें, चाहे जैसे भी, सबका अपना अपना तरीका होता है गाइज। तो आप चाहे जो भी तरीका अपनाएं याद करने का, लेकिन हम सिर्फ याद रिवीजन करके ही ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हम याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, आंसरेबल टू, इट मीन्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, या जवाबदेह होना। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव टू, अल्टरनेटिव टू इट मीन्स सब्स्टिट्यूट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए विकल्प होना। नेक्स्ट, अलीजियंस टू मीन्स लॉयल्टी टू अ पर्सन, कंट्री, ग्रुप एट्सेट्रा, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति, देश के प्रति, या किसी भी ग्रुप के प्रति, किसी समूह के प्रति निष्ठावान होना, निष्ठा रखना, उसको बोलते हैं हम अलीजियंस टू। नेक्स्ट, एक्सेस टू, एक्सेस टू मीन्स रिच और पहुंच होना। ओके, अकस्टम टू, अकस्टम टू मीन्स बिकम हैबिचुएटेड, आदि होना, किसी चीज के आदि होना, जैसे कि आप किसी हैबिट के आदि होते हो, किसी क्लाइमेट के आदि हो सकते हो एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ का आदि होना। नेक्स्ट, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ इट मीन्स चार्ज्ड विद समथिंग, स्पेशली एन ऑफेंस, किसी तरह का दोषारोपण किया जाना, अभियुक्त बनाना, आरोपी होना, उसको बोलते हैं अक्यूज्ड ऑफ। नेक्स्ट, बेरेफ्ट ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, वंचित होना किसी चीज से, इट मीन्स डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड, कंसिस्ट ऑफ समथिंग, कंसिस्ट ऑफ टू बी मेड अप ऑफ समथिंग, कंसिस्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से बना हुआ होना, कंसिस्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, अफेक्शन फॉर, अफेक्शन फॉर अ फीलिंग ऑफ लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, मतलब जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल फीलिंग्स रखते हो, या फिर उसे पसंद करते हो, उसे स्नेह रखते हो, तो उसे हम कहते हैं अफेक्शन फॉर समथिंग। नेक्स्ट, एम्बिशन फॉर, एम्बिशन अ पर्टिकुलर गोल, ओ एम। ओके, सो महत्वाकांक्षा होना, किसी चीज़ के लिए आपका एक महत्वाकांक्षा होना, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का, तो ये ऐसे में हम इसे एम्बिशन का यूज करते हैं। क्रेविंग फॉर समथिंग, क्रेविंग फॉर समथिंग मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, मतलब क्रेविंग फॉर आइसक्रीम भी आप बोल सकते हो, अगर आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है तो आप बोल सकते हो क्रेविंग फॉर आइसक्रीम। किसी चीज़ के लिए ना तृष्णा होना, मतलब हिंदी में इसको तृष्णा बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, क्रेविंग बोलते हैं। अभी किसी चीज़ को पाने का क्रेविंग भी होता है, या किसी का कुछ हॉबी होता है उसके लिए भी उसका एक क्रेविंग होता है। नेक्स्ट वन, एब्स्टेन फ्रॉम, इट मीन्स डिसाइड नॉट टू डू और टू हैव समथिंग, मतलब किसी चीज़ से बचना, किसी चीज़ से परहेज करना। ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन से वन शुड ऑलवेज एब्स्टेंस फ्रॉम नारकोटिक्स और ड्रग्स। ओके,
नेक्स्ट डिबार, डिबार मीन्स डिबार फ्रॉम, डिबार मीन्स टू ऑफिशियली प्रिवेंट समवन फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग, वो बैन समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ओके, किसी चीज़ को, किसी को प्रिवेंट करना किसी चीज़ को करने से, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो इस केस में ऑफिशियली फॉर्मली तब हम उसको डिबार कहते हैं, अदरवाइज अदर केसेज में प्रिवेंट भी यूज हो सकता है, बट डिबार हम कब यूज करते हैं, जब ऑफिशियली होता है या फिर फॉर्मली होता है, मतलब किसी सरकारी नियम या फिर किसी भी संस्था के द्वारा एक इस्टेब्लिश्ड रूल्स है उसके द्वारा अगर आपको मना किया जा रहा है कुछ करने से, तो उसको हम डिबार फ्रॉम कहते हैं। सो ये थे आपके ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ कुछ फिक्स प्रिपोजिशन ही लेते हैं। अब अगर सपोज यहाँ कंसिस्ट ऑफ मैंने आपको बताया, अब कंसिस्ट ऑफ की जगह अगर आप कंसिस्ट विद लगाओगे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, अगर आपकी नॉलेज कम है, आपने नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया है, तो कई बार स्टूडेंट कंसिस्ट विद भी ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत होगा और एज एग्जाम्स में भी गलत ही होता है। अफेक्शनेट, अफेक्शन फोर होता है, ओके, तो अफेक्शन के साथ हमेशा फोर ही हम यूज कर सकते हैं, ना कि टू, टू कभी नहीं आ सकता। तो इस तरीके से गाइज ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज हैं, मैंने कोशिश किया है कि मैं अल्फ़ाबेटिकल लूँ और सारे अल्फ़ाबेट्स से मैं आपको कुछ कुछ ना कुछ मैं आपको बताती रहूँगी अपने आने वाले वीडियोज में, ओके। एंड वन थिंग मोर गाइज, मैं जानना चाहती हूँ कि आप ग्रामर की कौन से टॉपिक में आप लोग इंटरेस्टेड हो, जो जो मतलब जो भी टॉपिक आप करना चाहते हो आप मुझे बताएं, और ताकि मैं उस पर अपना वीडियो बनाऊँ, ओके, ये आपकी व्यूज मैं जानना चाहती हूँ। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड जाते जाते एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज बेल आइकन को भी पुश करें, ताकि आपको आने वाले मेरे सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।